सीएए को लेकर पिछले दिनों दिल्ली में भड़की हिंसा और बवाल के बाद एक बार फिर शुक्रवार को लेकर बागपत प्रशासन व पुलिस पूरी तरह सतर्क दिखाई दी। जुमे पर किसी प्रकार का बवाल न हो इसके लिए पुलिस प्रशासन ने ताकत झोंक दी थी। हालांकि बागपत में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, इसके बावजूद प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं थे। डीएम एसपी सहित आला अधिकारी शांति समिति की बैठकों में लगे रहे। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती करते हुए खुफिया विभाग अंदर की खबर निकालने में जुटा रहा। नमाज के दौरान रूट भी डायवर्ट रहा। बजौट तहसील में फूंस वाली मस्जिद पर पुलिस बल तैनात रहा। डीएम शकुंतला गौतम, एसपी प्रताप गोपेंद्र यादव ने बजौट पहुंचकर पूरी व्यवस्था का जायजा लिया और पैदल मार्च भी निकाला। नमाज पूरी तरह से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। मिश्रित आबादी व संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त किया। शहर में पुलिस ने रूट मार्च कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। नमाज पढ़कर लौटे लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस ने रूट मार्च किया। मांस जगहों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिला प्रशासन जनपद वासियों से सौहार्द की अपील कर रहा है। नागरिक संशोधन कानून के विरोध को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। बड़ौत की फूंस वाली मस्जिद के शहर इमाम मौलाना आरिफुल हक ने लोगों से आपसी भाईचारा कायम रखने, अफवाहों पर ध्यान ना देने, किसी के बहकावे में ना आने की अपील की। मौलाना जी, जो बड़ौत की फूंस वाली मस्जिद है, क्या इतिहास है, कितनी मस्जिदों की ये हेड कही जाती है? ये फूंस वाली मस्जिद बहुत पुरानी मस्जिद है और 150 साल इसकी तामीर को हो गए। उससे पहले भी यहाँ पर एक कब्रिस्तान था मुस्लिम जाट बिरादरी का, और वहीं पर 40 साल छप्पर डालकर नमाज अदा की गई है। इस मस्जिद का चूँकि नमाजियों के हिसाब से, जमात के अतबार से ये अपने ज़िले में हेड कहलाई गई है, इसलिए इस मस्जिद की जो भी बात होती है वो ज़िले में एक अपना मकाम रखती है, इज्जत रखती है, और मस्जिद के इमाम मदारिस के जो ज़िम्मेदार हैं ज़िले के, वो यहाँ की बात को, यहाँ के पैगाम को बहुत इज्जत की नज़र से देखते हैं और उस पर अमल करते हैं। पूरी जनपद में लगभग कितनी मस्जिदें होंगे? तकरीबन लगभग 550 मसाजिद हैं। उन सब की हेड कही जाती है? हाँ, उन सब के इमाम यहाँ की बात को बड़ी इज्जत की नज़र से देखते हैं, और वो ये समझते हैं कि जैसे दिल्ली की शाही जामा मस्जिद है, तो इसी तरह हमारे ज़िले की ये शाही जामा मस्जिद है। प्रतिदिन लगभग कितने नमाजी यहाँ पे आते हैं, और शुक्रवार को जुम्मे के दिन में खास क्या रहता है? यहाँ लगभग 350-400 हो जाते हैं, और जैसे जुमा होता है तो उसमें 1500-1200-2000 तक भी पहुँच जाते हैं, और ईद की नमाज में 5000-6000 तक ये लोग पहुँच जाते हैं। ऐसे ही रमज़ान शरीफ का जो जुमा होता है उसमें भी लगभग 3000-4000 नमाजी जुमे में होते हैं, और हर नमाज में रमज़ान शरीफ में 1500-1200 नमाजी हो जाते हैं। मौलाना साहब, हमारे पड़ोस में दिल्ली में अभी दंगा हुआ है, आज जुमे की नमाज है, प्रशासन अलर्ट मोड पे, बड़ी मस्जिद है यहाँ पर, क्या अपील समाज को की गई है, अमन चैन का संदेश दिया गया है? हमने लोगों से यही अपील की है कि शांति बनाए रखें और किसी भी तरह अफवाहों में ना आए, और जो पड़ोस में जो भी हुआ है उसकी भी बहुत ज़्यादा मजम्मत की गई है, क्योंकि ये इंसानियत का कत्ल है और इंसानियत सबसे ऊपर बढ़कर है। हम सब इंसानियत की इज्जत करते हैं, इंसान का एहतराम करते हैं। यही लोगों को समझाया भी गया है कि हम सब मिलकर एक दूसरे को बढ़ाकर अपने मुल्क की हिफाजत करें और मुल्क को आगे बढ़ाने की कोशिश करें।